हेलो गाइस, तो ये वीडियो में हम देखने वाले ITR डेट इज इनकम टैक्स रिटर्न। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, कब हमको ITR फाइल करना चाहिए, ITR क्या होता, और अगर ITR हम लोग ने फाइल नहीं किया तो क्या पेनल्टीज लग सकते हैं, और किसको कौन से ITR फाइल करना चाहिए, ITR 1, 2, 7 तो किसको कौन से ITR फाइल करना है, वो भी हम लोग ये वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये वीडियो से अगर आप गलत ITR फाइल करते तो आपको हैवी पेनल्टी लग सकता है, वो भी हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कितना पेनल्टी लग सकता है। तो वीडियो को सो फर्स्ट वन ITR सुनते ही आपके मन में क्या आता है, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम के ऊपर कितना टैक्स आएगा, इसका हम लोग क्या फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं। किसको, गवर्नमेंट को फाइल वन, इनकम टैक्स रिटर्न वन। वन किसको फाइल करना चाहिए, तो वन उसको फाइल करना चाहिए इंडिविजुअल जिसका इनकम 50 लाख से कम है, और वो सैलरी पर्सन हो सकता है जिसको सैलरी मिल रहा है। सेकेंड, अगर वो रिटायर है और उसको क्या मिल रहा है, पेंशन, तो उसको भी कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ITR 1 ही। देन अदर सोर्स ऑफ इनकम, मेरे को कुछ नहीं, ना पेंशन मिल रहा है, ना सैलरी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैंने क्या किया, FD करके रखा है, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, और मैंने बहुत सारी कंपनी में क्या करा, इन्वेस्टमेंट करके रखा, उसके ऊपर तुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो भी आपका क्या जाएगा, ITR 1 जाएगा। और अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000 तभी भी क्या जाएगा, ITR 1 जाएगा। नेक्स्ट ITR 2, इनकम टैक्स रिटर्न 2, ये किसको फाइल करना पड़ेगा, इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 1 नहीं फाइल करेंगे। अब इनकम कहीं से भी, चाहे सैलरी का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, कुछ भी हो, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, ITR 2। थर्ड, अगर आपको कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर्स लिया था, उसको खरीदा था 100 रुपये में, बट उसको बेचा आपने 200 रुपये में, तो 200 रुपये में बेचा, 100 रुपये में खरीदा, तो 100 रुपये का क्या हो गया, आपको फ़ायदा हो गया, इसी फायदे को बोला जाता है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर टैक्सेशन अलग रेट से लगता है और लॉन्ग टर्म पे अलग रेट से लगता है। बट अगर आपने ये ट्रांजेक्शन किया, आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, ITR 2। थर्ड, अगर आपका फॉरेन इनकम है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, ITR 2। होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन ए कंपनी होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप ये होल्ड करते हैं तो आपको भी क्या फाइल करना पड़ेगा, ITR 2। बट अगर आप मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2 घर से रेंट आ रहा है, एक घर में मैं रहता हूँ, दो, मेरा टोटल कितना घर है, 3, 3 में से एक घर में रहता हूँ, 2 घर से मुझे क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो वो उस केस में मुझे कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, ITR 2। बट अगर मैं ऐसा है, 2 घर है उसमें से एक घर में रहता हूँ, 1 घर से मुझे रेंट आता है, तो मैं कौन सा ITR फाइल करूँगा, ITR 1। ये दोनों पे कन्फ्यूजन होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वन ITR 3 और 4, अब ये दोनों ही किसके, बिजनेस के हैं। बिजनेस चाहे ITR 3 भी फाइल करे, ITR 4 भी फाइल करे, अब ये कैसे फाइल करेगा, ITR 3 कब जाएगा, ITR 4 कब जाएगा, तो ITR 3 कब जाएगा, अगर आप क्या करते हैं, PNL बैलेंस शीट, मतलब आपका अकाउंटिंग एकदम सिस्टमैटिक वे में होता है, मतलब आप सेल्स की भी एंट्री मारते, परचेज की भी मारते, बैंक एंट्री सब निकाल के आप अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन करते, तो उस केस में क्या रहेगा, PNL बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप क्या फाइल कर सकते हैं, ITR 3। बट ITR 4 कौन फाइल कर सकता है, अब ITR 4 क्या बोलता है गवर्नमेंट, आप एक काम करो, अकाउंटिंग मेंटेन मत करो, उसका भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, सर्टन लिमिट है, वो लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा, 4 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो 4 कौन फाइल करेगा, गवर्नमेंट बोलता है अगर आपका इतना इनकम है तो आप एक काम करो, उसका 8% मुझे दिखा दो प्रॉफिट, सिर्फ मिनिमम कितना दिखाना आपको, 8%, अगर 8% से कम दिखाया तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा दिखा रहे तो गवर्नमेंट बोलता है अगर ज़्यादा इनकम दिखा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम मत दिखाओ, ज़्यादा दिखा सकते। नेक्स्ट वन इज द ITR 5, अब ITR 5 कौन फाइल करेगा, तो ITR 5 उसको फाइल करना है अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो आपको कौन सा फॉर्म जाएगा, ITR 5। नेक्स्ट ITR 6 कौन फाइल करेगा, कंपनी फाइल करती है, और जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब हो गया, ये सब कौन सा ITR फाइल करते हैं, ITR 6।
नेक्स्ट आईटीआर 7। अब लास्ट कौन सा रहता है आईटीआर 7, तो इसमें कौन फाइल करेगा, चैरिटेबल पर्सन एंड रिलीजन ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी है तो, साइंटिफिक रिसर्च है तो, अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोई अदर इंफॉर्मेशन वाला है तो आईटीआर 1-7। अब सर ये आईटीआर अगर हम लोग को, अगर आप एक अकाउंटेंट है तो आईटीआर आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, सर पता होना चाहिए। अगर आईटीआर आपको पता नहीं है कौन सा आईटीआर, जैसे बिजनेस ने मेरे सामने वाले ने जिसको मैंने आईटीआर फाइल करने दिया था उसको फाइल करना चाहिए 2, बट उसने फाइल कर दिया 1, ऐसा कहीं केस हो गया, या आपके बिजनेस का केस ऐसा हो गया उसने फाइल करना चाहिए था 3 बट उसने फाइल कर दिया 4, और आप क्या है आपके कंपनी के अकाउंटेंट है तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा 4 जाएगा या 3 जाएगा, तो सामने वाले की गलती निकाल सकता है। अगर आपको ही नहीं पता आईटीआर क्या होता है और आप अकाउंटेंट बन के बैठे सिर्फ सेल्स और परचेज की एंट्री मार रहे हैं, आपको पता ही नहीं आईटीआर क्या होता है, तो आप अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते और आपको अच्छा पैसा नहीं मिल सकता। तो अच्छे पैसे के लिए आपको सपना नहीं देखना, जस्ट आपको उसके ऊपर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, पैसा तो अपने पास आ ही जाएगा। सो डन, तो ये वीडियो में हम लोग ने देखा पूरा आईटीआर 1-7। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर कोई और भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना।